प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन पंजाब की शुरुआत कर दी है। वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री ने पंजाब को लेकर पार्टी का विजन रखा। पीएम ने कहा कि पंजाब के लिए आज असली बदलाव का वक्त है। भाजपा अपने साथियों के साथ पंजाब के विकास के लिए पुख्ता रोड मैप लेकर आई है और पंजाब के लिए एनडीए ने अपने 11 संकल्प सामने रखे हैं और कहा है कि ये संकल्प हर उस पंजाबी के लिए है जो पंजाब और पंजाबियत की बात करता है। पीएम मोदी ने छोटे साहिबजादों को नमन करते हुए भाषण शुरू किया और कहा कि देश को सबसे आगे रखना पंजाब की परंपरा रही है। भाजपा राष्ट्रहित में काम करती है और सिख परंपरा और पंजाबियत के लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। की परंपरा को निभाने का माध्यम रहा है। ऐसे लोगों ने पंजाब पर राज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या साजिशें नहीं रची। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। हमने दुनिया भर में सिख आस्था को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। क्या ये चुनाव सिर्फ नए एमएलए, नए मिनिस्टर चुनने के लिए ही है? जी नहीं, ये पंजाब में विकास की गति तेज करने और पंजाब को अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकालने के चुनाव है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।